Do not try this at home. This is an informative video. I will not be responsible for anything. तो पब्लिक आ चुके एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक मजेदार एक्सपेरिमेंट के साथ आप सभी को कुछ नया और अलग दिखाने के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत ही बड़ा थैंक यू लास्ट वीडियो पे इतना सपोर्ट के लिए, इतने प्यार के लिए और इतने ज़्यादा लाइक्स के लिए। एंड आज का हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो बढ़ाएंगे हम एक्सपेरिमेंट को आगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए वो लोग कर दें सब्सक्राइब। और हम चलते हैं फिर डैम पर, जहाँ पर हम उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे एंड आप सभी को मिलाएंगे किसी ऐसी चीज़ से जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी खुशी हो। तो क्या कहानी है इस डंडे की और क्या है इस बैग में, ये दोनों आपको पता चलेगा तब जब आप वीडियो को देखेंगे बिल्कुल लास्ट तक। तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को एंड ओपन करते हैं इस बैग को और देखते हैं क्या क्या रखा है इसके अंदर। खाली बोतल, कैल्शियम कार्बाइड, माचिस, हथौड़ी, बलून, बीकर, पानी। आज के इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास है कैल्शियम कार्बाइड, इसे हम नॉर्मली कार्बेट बोलते हैं। इसका यूज हम बेसिकली आम पकाने में या किसी फल को पकाने में करते हैं एंड इससे एसिटिलीन गैस बाहर निकलती है और इसका यूज हम वेल्डिंग में भी करते हैं। लेकिन आज हमारा कुछ अलग ही होने वाला है इसके साथ, तो फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं। एंड अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करेगा। इसके अंदर से एसिटिलीन गैस बाहर निकल रही है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बुलबुले भी निकल रहे हैं कुछ। और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये बीकर अच्छे से बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा है धीरे धीरे करके और ये काफ़ी फ्लेमेबल होती है। आग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने टुकड़े करे थे इस कार्बेट के, वो मैंने इस बीकर में रखे हुए हैं एंड बोतल में डालूंगा इस छोटे छोटे टुकड़े को। तो मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट ट्राई बिल्कुल मत करिए कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम, दिस इज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। देखा कि बड़ा ही आग का गोला बना है इस बोतल पे, जो बलून लगा था बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से फूटा एंड अब बोतल की जो हालत है वो पूरी बिगड़ चुकी है क्योंकि इसके अंदर से सारी एसिटिलीन गैस जो थी वो बलून में चली गई थी। उसके बाद हमने उसमें आग लगाई तो जो हुआ आपने देखा ही है। एंड मैंने सोचा क्यों ना हम किसी बॉटल में उस कार्बेट को डाल दें और बलून की जगह सीधा ढक्कन ही बंद कर दें पानी डालने के बाद, तब क्या होगा, बॉटल फटेगी या फिर जो भी होगा आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट से इसे भी करते हैं, मज़ा बहुत आने वाला है। तो लाइक के बटन को तो फटाफट से दबा ही देना। कुछ इतना मैंने डाल दिया है कार्बेट को और ये हमारे पास पानी है तो फटाफट से इसको भी डालते हैं। Do not try this at home. This is an informative video. I will not be responsible for anything you do. ओ भाई, ये रही बोतल जिसके अंदर कार्बेट था और पानी डाला था मैंने, और ये इसकी जो हालत हुई है पूरे चिथड़े उड़ चुके हैं इस बोतल के। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा खतरनाक है ये कार्बेट। और ये जो आसपास का एरिया देख रहे हो सब कार्बेट पड़ा हुआ है, बट इस बोतल की हालत तो भाई काफ़ी हद तक मतलब बिगड़ चुकी है, कुछ नहीं रह गया इसके अंदर। एंड मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, किसी नए एक्सपेरिमेंट में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।